मोदी सरकार आपको 42 लाख रुपए जीतने का मौका दे रही है। जी हाँ, सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज के तहत आम लोगों से आवेदन मांगे हैं जो सरकार को इनोवेटिव आइडियाज दे सके। इससे सरकार को योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में मदद मिल सकेगी। इस मामले में सरकार की ओर से स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट का विज्ञापन जारी किया गया है, साथ ही स्टार्टअप इंडिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भी विज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यधिक टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर कारोबार में सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ी 7 पॉइंटेड समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्रैंड चैलेंज को स्टार्ट किया है। इस चैलेंज का उद्देश्य युवा भारतीयों, स्टार्टअप्स और अन्य निजी उद्यमियों की क्षमताओं को यूज करना है ताकि वर्तमान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जटिल समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इस ग्रैंड चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड ईज ऑफ डूइंग में कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ एक अच्छा खासा इनाम भी जीत सकते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने देश में व्यापार करने की राह में आने वाले सरकारी नियमों को आसान बनाने की कोशिश की है जो कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में नजर आती है। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 190 देशों की सूची में 23 पायदान की छलांग लगाते हुए भारत 77वें स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि लास्ट ईयर भारत 100वीं पोजीशन होल्ड करता था। भारत ने पिछले दो सालों में, अगर हम दो साल की बात करें, तो पिछले दो सालों में 53 पोजीशंस की छलांग लगाई है। ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन 10 पैरामीटर्स पर बेस करती है। पहला है स्टार्टिंग अ बिजनेस, किसी भी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना कितना ईजी है। सेकेंड आता है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, किसी भी देश में कंस्ट्रक्शन परमिट्स को लेना कितना ईजी है। थर्ड आता है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये कितना इजी है। फोर्थ आता है रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, इसमें ये कितना इजी है और कितना टाइम लगता है। फिर आता है गेटिंग क्रेडिट्स, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, टैक्सेस पे करना, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिजोल्विंग इंसॉल्वेंसी। इन सारे पैरामीटर के बेस पर ही जो इंडिया की पोजिशन है वो इस साल हमने 77वीं पोजिशन इंडिया की आई है, जो एक बहुत ही गर्व की बात है। इंडिया ने एक बहुत ही रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट दिखाई है बिजनेस एनवायरनमेंट को ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में, कि अब यहाँ पर बिजनेस करना काफ़ी ईजी हो चुका है। दोस्तों, सरकार ने 7 फील्ड के लिए लोगों से आवेदन मांगे हैं इस ग्रैंड चैलेंज के थ्रू। हर एक फील्ड के टॉप 3 विजेताओं का चुनाव किया जाएगा। पहले विजेता को 3 लाख रुपये, दूसरे को 2 लाख रुपये और तीसरे को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। ऐसे में सरकार सभी कैटेगरीज पर कुल 42 लाख रुपये का प्राइज देगी। जिन फील्ड्स की ओर से सरकार की ओर से आवेदन मांगे गए हैं वो है लाइसेंस एंड परमिट, एक्सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड टैक्स फाइलिंग। अगर आपके पास इन फील्ड के लिए कोई अच्छा सुझाव है जो आप सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं तो आप उसको एक प्रोजेक्ट बनाकर सरकार के साथ साझा कीजिए। विजेताओं को जो आइए अब जानते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। जो इस ग्रैंड चैलेंज की अनाउंसमेंट डेट थी वो थी 19 नवंबर 2018। उसी दिन से एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया। जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट होगी वो होगी 1 जनवरी, यानी कि आप 1 जनवरी तक अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस ग्रैंड चैलेंज का जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का, वो होगा 1 फरवरी को, यानी 1 फरवरी को विजेताओं को घोषित किया जाएगा। इनाम की, जैसे हमने पहले ही बता दिया है कि टॉप 3 टीमें फॉर ईच प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट प्राइज 3 लाख, सेकेंड 2 लाख, थर्ड 1 लाख। तो इस तरीके से विनर्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट काम करेगी फॉर सॉल्यूशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, वहीं पर आपको ऊपर की साइड में ये वाला एक लोगो नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होकर आएगी। इसी के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ग्रैंड चैलेंज के बारे में डिटेल दिए गई हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात आती है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसके पास भी इनोवेटिव आइडिया हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे स्टार्टअप हो या फिर कोई अदर एंटरप्राइजेज हो, वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आइए अब देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स एंड अप्लाई कैसे करना है। ये करने के बाद ये विंडो ओपन होकर आती है। इसमें जो पहली प्रॉब्लम है वो आती है डेवलप ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्रोसेस फॉर ईज ऑफ इशू परमिशन लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसकी इन्होंने प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। अगर आपको इस प्रॉब्लम का आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सेकंड प्रॉब्लम है, अगर इसका आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये थर्ड प्रॉब्लम है, अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ यहाँ पर,
ये फोर्थ प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है, तो इसका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप यहाँ पर जिस भी प्रॉब्लम्स के का सॉल्यूशन आपके पास है, आप उस प्रॉब्लम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल 7 प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। 1 जनवरी तक आप अपना सॉल्यूशन बनाकर 1 जनवरी तक आप इन प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है, हर एक उसमें चैलेंज जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्कैटर्ड है, डिफरेंट पोर्टल हैम्पर्स हैं और आउटपुट जो है इन्फॉर्मेशन का वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। डिटेल में आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी इन 7 के 7 प्रॉब्लम्स की। अगर इस प्रॉब्लम चैलेंज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन है तो आप इन बंदों को ईमेल कर सकते हैं, इनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आपको, जिस भी प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें आपको प्रॉब्लम है। ये साथ ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे व्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट अप्लाई नाउ पर। 7 प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम आपको चाहते हैं, जिसका आप सॉल्यूशन प्रपोज करना चाहते हैं, उसी का आप फिल करेंगे। आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो भी आपके मेंशन क्वेश्चन होंगे उनके आंसर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस भी हैं कि जो आप डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन जो आप पीडीएफ में अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके अंदर फ्लो चार्ट, डायग्राम, पिक्चर जो होंगी वो 12 स्लाइड या 12 पेजेस से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये डिटेल्स भी होनी चाहिए, आपकी टीम डिटेल में आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपके टीम मेंबर्स का, आपका जो सॉल्यूशन होगा उसका वर्क फ्लो और इम्पैक्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, ये सारी डिटेल्स के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि ग्रैंड चैलेंज में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे आप प्राइज जीत सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस ग्रैंड चैलेंज में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे और प्राइज भी जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके और 1 जनवरी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग EODB ग्रैंड चैलेंज का हिस्सा बन सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।